जो अब हम आपको सिखाएंगे सब्ट्रैक्शन के फोर डिजिट के सवालों को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके लिए चार अंकों की पहले संख्या ले लेनी है कोई भी, जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं 9, 7, 6, 5। 9, 7, 6, 5 को हमने माइनस करना है कोई भी चार अंकों की संख्या से। जैसे कि संख्या ले लेते हैं इसके नीचे 6, 3, 2 और 3। 9, 7, 6, 5 को 6, 3, 2, 3 से हमने माइनस करना है। इसके लिए सबसे पहले करेंगे 5 को 3 में से 5 मैंने लगा लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और 5 को कितने करना है, 3 को भाग कर देंगे, 3 संख्या कट कर देंगे, 1, 2, 3 कट गई, कितने बच गई, 2, 5 में 3 गए 2, ठीक है। अब 6 में से 2 जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 में से हमने 2 घटा दिए, 1, 2 माइनस कर दिए, 1, 2, 3, 4 बच गए, ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। बाकी 7 लाइन लगानी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से 3 लाइन कट कर देनी है, 1, 2, 3 कट कर दी, बाकी लिख जाएगी 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 लगा देना है, बाकी यहाँ पे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से 6 को माइनस करना है, तो फिर 6 लाइनें कट कर देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देना है कि 1, 2, 3, यहाँ पे 3 लिख देना है। यह 4 डिजिट की संख्या का आंसर 3, 4, 4, 2। 9, 7, 6, 5 में से 6, 3, 2, 3 को माइनस किया तो कितनी संख्या आ गई, 3, 4, 4, 2, ये अपना आंसर है, ये फार्मूला, ये आंसर, ठीक है। ओके बाय।